मैडम मैं बंद करूं बस Good afternoon. This is wrong. What is A minus B the whole square? What is A minus B the whole square? Cast up on them. A squared minus B squared is 2. What is A plus B the whole square? A squared plus B squared plus 2A. हमने कहा था क्या था बच्चों अभी हम लोग सीखते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर. रूट टू जो है वो तो इरेशनल नंबर है, मुझे पता है. तो अगर मैं आपको बोलूं इसको रैशनलाइज करो तो इधर पावर कितना है ऑर्डर, तो मतलब दो तीन दो
थ्री होना चाहिए अंदर, है क्या दो थ्री? तो इसको रैशनलाइज करने के लिए मैं क्या डालूंगा? तो व्हाट डज दिस बिकम? है कि नहीं? तो इस नंबर का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? रूट थ्री. रूट थ्री का रैशनलाइजिंग फैक्टर रूट थ्री. रूट टू का रैशनलाइजिंग फैक्टर रूट टू. रूट फाइव का रैशनलाइजिंग फैक्टर रूट फाइव. रूट सेवन का रैशनलाइजिंग फैक्टर रूट सेवन. ये समझे? रूट एट का रैशनलाइजिंग फैक्टर रूट एट. ये सही है, लेकिन लेकिन अगर मैं बोलूं कि रूट एट का लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर, तो अगर आप रूट एट का रैशनलाइजिंग फैक्टर रूट एट बोलोगे तो राइट है, लेकिन अगर मैं बोलूं लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर और आप मुझे आंसर रूट एट दोगे तो इट इज रॉन्ग. क्योंकि रूट एट को हम लिखते हैं 2 × 2 × 2 ऐसे लिख सकते कि नहीं, और स्क्वायर रूट मतलब दो में से एक, तो ये 2 बाहर आएगा. क्या बचते हैं अंदर? ये क्या है? रैशनल. ये क्या है? इरैशनल. हमको तो सिर्फ इरैशनल को रैशनल बनाने के लिए, तो इसका रैशनलिटी फैक्टर क्या होगा? रूट. तो रूट एट का लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर इज रूट एट. रूट एट का रैशनलाइजिंग फैक्टर रूट एट है, लेकिन अगर मैं आपको उसका लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर, तो आप बोलोगे रूट एट. ऐसे करके दिखाओगे. एक और एग्जाम्पल देता हूं. रूट 27, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर 27 होता है, लेकिन इसका लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर अगर मुझे निकालना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? रूट 27 को हम ऐसे लिखेंगे. तो ये बन जाएगा 3√3. तो सिर्फ ये रैशन है, उसका रैशन थ्री फैक्टर क्या है? That will give me the answer. Do you understand? तो सीधा आंसर है सर, रूट 15 का रैशन रूट 15. क्योंकि क्या होता है कि रूट 15 को मैं 5√3 लिख सकता हूँ. क्या मैं कुछ भी बाहर ले सकता हूँ? नहीं. तो रूट 15 का रैशनलाइजिंग फैक्टर भी रूट 15 और लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर भी रूट 15. डू यू अंडरस्टैंड? आप मुझे इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर. वेरी गुड. लेकिन एक गलती कर रहे हो आप, बोलोगे क्यूब रूट ऑफ 7. ऑर्डर कभी चेंज नहीं होता है. रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालने में ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं होता है. क्या कर रहे? इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर चाहिए तो वर्क करके दे. क्योंकि इसमें ऑलरेडी 3 3 है, तो रैशनल करने के लिए मुझे क्या चाहिए? और अभी आप करते हैं.
ये तो काम कर करके देखो चीजें, मुझे डायरेक्ट आंसर नहीं मिला चलेगा। क्योंकि इसमें ऑलरेडी चार टू है। हाँ समझे आप लोग, इज दिस क्लियर? पक्का पक्का सच्ची? अभी देखो दूसरा दूसरा ये तो क्या थे, सिंगल नंबर्स थे, इसको मोनोमियल बोलते हैं ना। ठीक, अगर दो टर्म होते हैं, अब मैं बता दू ए प्लस रूट बी, ये रैशनल नंबर है, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा रूट ए माइनस रूट बी। बात करें ये दो टर्म है, बाइनोमियल बोलते हैं, तो बाइनोमियल का जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है ना, वो इसी नंबर का कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट का मतलब अगर प्लस है तो ये माइनस, अगर ये माइनस है तो ये प्लस। ऐसे कैसा क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ गए? अब देखो रूट ए माइनस रूट बी, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर रूट ए प्लस रूट बी, रिजल्टिंग नंबर ऑल्सो ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस रूट बी, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ए माइनस रूट बी, अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो रूट निकल गया, रैशनल बन गया, ए माइनस रूट बी, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ए प्लस रूट बी। रूट ए प्लस बी, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर रूट ए माइनस बी, क्या बन जाएगा ए माइनस बी स्क्वायर। रूट ए माइनस बी क्या बन गया, ए माइनस बी स्क्वायर। यू अंडरस्टैंड? अब इसको रैशनलाइज करेंगे, सोचो तो हम क्या करेंगे। वैसे तो रूट 18 प्लस रूट 13 लिख सकता हूं, लेकिन मेरे को लोएस्ट चाहिए, लोएस्ट, तो मैं इसको क्या करता हूं, बोलो तो ये क्या हो गया। ठीक है, ठीक है,
ठीक है, यहां तक समझ गए आप लोग पक्का? थ्री मैंगोस माइनस फोर मैंगोस इज माइनस वन मैंगो। अब ये माइनस को मत देखो, ये रूट टू है तो रूट टू का रेशनल फैक्टर क्या होगा? रूट टू। सो माय आंसर विल बिकम माइनस टू। पक्का? पक्का समझ गए? सच्ची कोई झूठ तो नहीं बोल रहा? हाँ पक्का पक्का करो। क्वेश्चन नंबर टू, राइट द लोएस्ट। क्या बोला है? लोएस्ट। सो ध्यान से करना, पहले चाहिए तो ये रूल्स कॉपी कर लो एग्जाम, ठीक है? ध्यान रहे, ओके।
ओके कुछ लोग Yes, have you finished? Yes. आपको दिया है मैंने जो a प्लस b का a माइनस b, a माइनस b का a प्लस
3 minus root 7. No terminal. So I shall be factor with 3 plus root 7. See, why we learn this rationalizing factor is, we learn this rationalizing factor so that the denominator of any fraction should never be an irrational number. Never be an irrational number means we should learn to rationalize. Let's see. Supposing I give you a question, rationalize the denominator. डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है, रूट थ्री का रैशनलाइजिंग फैक्टर रूट थ्री. तो हम क्या दिखाएंगे? बिकॉज लॉ ऑफ मैथमेटिक्स सेज व्हाट आई डू इन द डिनोमिनेटर आई मस्ट डू इन द न्यूमरेटर, व्हाट आई डू इन द न्यूमरेटर आई मस्ट डू इन द डिनोमिनेटर. तो ये क्या बन गया? 15 रूट थ्री बाई 3 बन गया. जहां भी हो सकता है फर्दर सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे. समझिए, अब अगर मैं ऐसे दूं आपको, फिर भी इसका रैशनल रूट थ्री है ना? सेवन प्राइम नंबर, थ्री प्राइम नंबर, कुछ कैंसिल नहीं हो सकता है, छोड़ दे. डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया मैंने, मेरा काम खत्म. डिड यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट. दो टर्म है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रैशनलाइजिंग, ठीक है? फोर माइनस थ्री क्या होता है? वन. तुम्हारा आंसर क्या हो गया? इसका डिनोमिनेटर क्या है? वन. एक और एग्जाम्पल, कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, रूट थ्री को कैंसिल करते हैं तो उनको मिलता है जीरो. कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि बीच में प्लस या माइनस आए तो कैंसिल नहीं हो सकता. तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? तो ऊपर भी वही करूंगा, पीछे क्या बन जाएगा?
समझ गए ये? हाँ समझ गए। अभी ऐसे छोड़ सकता हूं मैं, मेरा काम हो गया, मैंने आपको रैशनलाइज करो डिनोमिनेटर आपने कर दिया। लेकिन अगर किसी को आगे और करना है, थ्री रूट थ्री इंटू रूट फाइव प्लस थ्री रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री रूट टू इंटू रूट टू टू रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री रूट फाइव इंटू रूट फाइव फाइव यार इधर करके छोड़ा तो भी चलेगा, इधर करके छोड़ा तो भी चलेगा, सेम मार्क्स मिलेगा। डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने आना चाहिए, डिनोमिनेटर में कोई भी रूट नहीं बचना चाहिए। दिस इज क्लियर? न्यूमरेटर में कितना भी रूट हो चलेगा। तो अभी आप लोग करोगे क्वेश्चन नंबर थ्री, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। जहां कैंसिल हो सकता है, जहां सिंप्लीफाई हो सकता है हम करेंगे, जहां नहीं आते हैं छोड़ो। डिनोमिनेटर को लेकर रैशनलाइज करें, ठीक है?
Finish. Thank you. We need to do this now. We need to do the same mistake. This has become A minus B rounds. So if you don't know, just make it like this, okay? Like this. You're not going to have to keep here 2 plus square root 4. Okay? How many people are? 4. Minus 2. Minus 2. Minus into minus, plus. Root 3, root 3, 3.
अपॉन 4 माइनस 3 का मान अभी आपका 4 प्लस 3 7 माइनस 4 ओपन करो ब्रैकेट अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं आते कोई बात नहीं है आप ब्रैकेट को ओपन करो मल्टीप्लिकेशन करो हो जाएगा आ रहे कोई सम में डाउट है थ्री प्लस टू फाइव हो जाएगा माइनस टू रूट सिक्स आंसर प्लस अपॉन समझा
मैं बहुत बुरे नंबर ठीक है चलो बाय. Thank you.